गया। हाँ सी, आपने क्या, आपको कैसे मिला सर? आपके किसी एक नंबर के सर, धन्यवाद सर। आपका सर खाने में ना मतलब इतना रोज बना रहे हो सर आप वो डिश, ट्राई कर रहे हो घर में? हम डेली कर रहे हैं, जिस दिन जैसा ब्लॉग कर रहे हैं वैसे डाल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ही का लोग का आशीर्वाद। हम पांच टाइम खाते थे, चारों टाइम आप लोग का आशीर्वाद है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी जो पाव भाजी की प्लेटिंग है हमने एकदम रेडी कर दिया, देखिए ये हमारी भाजी कितनी शानदार लग रही है। हमने दो बन ले लिए हैं, सेक लिया बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटीएस एटेबल्स। आज का मौसम देख के हमें एक नई डिश सूझी है, आज हम बनाएंगे एकदम होटल स्टाइल में पाव भाजी। आपको दिखाते हैं हम ऐसे ठंडे मौसम में पाव भाजी का आनंद लीजिए अपने परिवार के साथ। आपको हम पूरी रेसिपी बताएंगे पाव भाजी की कैसे बनाते हैं। चलिए आज हम बनाएंगे पाव भाजी, दिखाते हैं आपको। जिसके लिए हमने ले लिया थोड़ा सा एक छोटा साइज का प्याज बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हमने ले लिया एक नॉर्मल टमाटर उसको भी बारीक चॉप कर लिया है, एक छोटा साइज का शिमला मिर्च ले लिया है, एक छोटी सी हरी मिर्च और चार लहसुन के टुकड़े को हमने बारीक चॉप कर दिया है। और ये हमने हरे मटर और हमारे आलू बॉयल आलू को हमने इनको मैश करके एकदम दोनों को पका के मैश कर लिया है। और ये हमारे मसाले हैं पाव भाजी मसाले, हम बताते हैं आपको पाव भाजी में क्या मसाले लगते हैं। ये हमने ले लिया है जीरा पाउडर, ये ले लिया हमने कश्मीरी लाल मिर्च, हमने ले लिया है धनिया पाउडर, ये हमने ले लिया है पाव भाजी मसाला, ये थोड़ा सा खट्टास बढ़ाने के लिए हमने ले लिया अमचूर पाउडर, जो आपको ये काला दिख रहा है हमने थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए सोया सॉस का इस्तेमाल किया है, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये हमारे पाव भाजी मसाले हैं, और एक आखिरी में मसाला पड़ता है वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। और ये हमने रख ली अपनी कढ़ाई, और अब हम इसमें डालेंगे अपना प्योर देसी घी, जो घर का एकदम बना देसी घी है, हम इसको अपने कढ़ाई पे डालेंगे। पाव भाजी मसाले में थोड़ा सा हम जो घी का इस्तेमाल है वो थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे, आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी करेंगे, दोनों चीज़ का करेंगे, ऑयल का कम करेंगे और घी का ज़्यादा करेंगे, आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। अब हमारा जो तेल है और घी है वो एकदम गर्म हो चुका है, अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे अपने जो हमने लहसुन बारीक चॉप किए हैं और हरी मिर्च, उसको हम इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब हमारा जो लहसुन था वो गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने इसमें प्याज का डाल दिया है, अब हल्का सा प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब जो हमारा मसाला है हमने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको करीबन दो मिनट के लिए हम ऐसे भीगने देंगे पानी के साथ, उसके बाद हमारी जो पाव भाजी बना रहे हैं हम उसमें और भी अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हमारा जो प्याज है वो भी गोल्डन ब्राउन हो गया, हम इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च डालेंगे जो हमने बारीक चॉप की थी। हम हर चीज़ थोड़ा थोड़ा, हर सब्जी का थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं, आप चाहे और सब्जी भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमारी शिमला मिर्च भी हल्का सा पक चुकी है, अब हम इसमें अपना टमाटर डालते हैं जो बारीक चॉप किया हमने, और इसको भी बढ़िया करके इसके साथ मिक्स करेंगे। उस टाइम हमने अपने मसालों में जो है नमक का प्रयोग नहीं किया था, अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जिससे हमारा जो ग्रेवी है वो गल जाएगी थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट भी देगी। अब हम इसमें अपना जो मसाला हमने भिगाया था, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, इसको पूरा डाल देंगे इसमें और इसको बढ़िया करके डाल देंगे, तो देखिए हमारी ग्रेवी का कितना अच्छा कलर आया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आलू और मटर वाला मिक्सर डालते रहेंगे और बढ़िया करके हिलाते रहेंगे, आपको दिखाते हैं हम। अब हमने भाजी में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे आपको जितना पतला चाहिए, और कब बढ़िया बनाएंगे इसको हिला के। अब देखिए हमारी जो भाजी एकदम रेडी हो गई है, हमने इसमें थोड़ा सा ऊपर से कस्तूरी मेथी डाल दिया और हल्का तेज गैस करके इसको बढ़िया करके उमलने देंगे। उसके बाद जो हमारी भाजी एकदम रेडी है, और इसमें हल्का सा हरा धनिया डालेंगे, देखिए कितनी शानदार भाजी बनी हमारी, कलर देखिए। तो देखिए हमारी एकदम भाजी एकदम रेडी है, अब हम बनाएंगे पाव की तरफ आते हैं, पाव को सेकना आपको बताने कैसे सेकेंगे। भाजी तैयार होने के बाद हम लास्ट में एक मसाला डालेंगे जो है मैगी मसाला, हल्का सा हम इसमें ऊपर से डालेंगे इसको, और इसको ऐसे रख देंगे, ये देखिए हल्का हल्का हमने ऊपर से छिड़क दिया है बस। अब इसको ऐसे छोड़ देना बंद करके गैस, फिर इसका टेस्ट और नाजवाब आएगा। यही था हमारा भाजी का सीक्रेट मसाला। हमारे दो पाव हैं, हमने इसमें थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल किया है, अब हम अपने पाव को बढ़िया करके सेकेंगे, दोनों पाव एक ही साथ सेकेंगे, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने अपने पाव सेक रहे हैं बढ़िया करके, अपने पाव सेक लिया, अब हम इनकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं आपको पाव भाजी की। अब हमारी जो पाव भाजी की प्लेटिंग है हमने एकदम रेडी कर दी है, देखिए ये हमारी भाजी कितनी शानदार लग रही है। हमने दो बन ले लिए हैं, सेक लिया बढ़िया सा देसी घी में, आप बटर में भी सेक सकते हैं। हमने थोड़ा सा सलाद लिया था, थोड़ा नींबू प्याज और दो हरी मिर्च बारीक काटती हैं, देखिए कितना अब हम इसको इन्जॉय करेंगे एकदम बारिश वाले मौसम में। आप भी अपनी फैमिली के साथ इसको बनाइए और इन्जॉय करिए। हमारे चैनल पीटीएस ईटेबल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।